इसका थोड़ा सा एक्चुअली वो कहते हैं ना, प्रेगनेंसी में जो बच्चा है वो माँ से न्यूट्रिशन लेता है इसका, वो मुझे लगता है हमारा दिमाग भी बच्चे ने ले लिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पता है क्या, अक्षय की शादी करीब आते जा रही है और मैं ना जिम नहीं जा पा रहा हूँ, पर आज मैंने पूरी कोशिश की थी। मैंने सुबह अपने स्पीकर पे, फोन पे नहीं, स्पीकर पे लगाई थी मैंने, ब्लूटूथ स्पीकर पे जो अलेक्सा है उस पर लगाई थी मैंने, लगाया था 6 बजे का अलार्म और लगा के सोया था। और पता नहीं क्यों मैं जब भी आँख नहीं खोली, फिर शायद ने मुझे 6:15 पर उठाया, उठ जाओ, मैं ऐसे नशे में उठा। और भाई फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं शाम को जाऊँगा, अभी बस की नहीं है। मैं पिछले एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं उठ पा रहा हूँ, पर मैंने आज सोचा कि अब सुबह की दिक्कत छोड़ो और शाम को डेली अब जिम जाऊँगा मैं। शाय ने एक चीज़ की है एक्चुअली, हमारे घर में स्टील की प्लेट और बर्तन यूज़, बर्तन प्लेट ग्लास कटोरी चम्मच सब स्टील की यूज़ होती हैं, पर शाय को और मम्मी को थोड़ा चेंज चाहिए, तो इन दोनों ने मिल के क्या किया, स्टील सब कुछ हटा दिया, बस ग्लास स्टील के रहेंगे, बाकी प्लेट्स वगैरह जो भी है मुड़ तुड़ गई हैं, पुरानी प्लेटें भी हैं बहुत सारी उसमें, तो सारी चेंज करके अब सिर्फ ग्लास की प्लेट्स चलेंगे हमारे घर में। वो थोड़ा फैंसी स्टफ नहीं होता, पर इन्हें ये नहीं पता कि भाई हमारे घर में जब भी कुछ होता है तो तू मैम होते, सबसे पहले साला बर्तन ही फेंक के मारते जाटों, घर में ये होता, पता नहीं कितनी फूटने वाली प्लेट, मैं खुद नहीं जानता। पापा को मैं करने वाला हूँ कुछ चीज़ें गिफ्ट, मैं बताता हूँ गिफ्ट करने वाला हूँ, इसके लिए पहले मैं उठ जाऊँ उसके बाद बताऊँगा मैं क्या गिफ्ट करने वाला हूँ और क्यों गिफ्ट करने वाला हूँ। क्योंकि अभी मम्मी ना शाय को लेके जा रही थी तेल लगाने के लिए बालों में, तो मैंने शाय को रोक लिया, नहीं यार बैठे रहो यार, थोड़ी देर बात करनी है। अब शाय नाराज है कि ना तुमने मम्मी से लगने दिए तेल, ना खुद लगा रहे हो। इसका थोड़ा सा एक्चुअली वो कहते हैं ना, प्रेगनेंसी में जो बच्चा है वो माँ से न्यूट्रिशन लेता है इसका, वो मुझे लगता है हमारा दिमाग भी बच्चे ने ले लिया है। मयंक देखो आपने भी सेम पहनी है, मैंने भी सेम पहनी है। गुड मॉर्निंग कैस्पर, ये कैस्पर के गुड मॉर्निंग करने का तरीका है मुझे ऐसे, नहीं अभी सेफ नहीं मिला, चलो गुड मॉर्निंग करो शाय, चलो गुड मॉर्निंग करो शाय को। हाँ जी बोलो। मैट पे बेला ने ब्लड लगा दिया ना। Give your hand to your dog and see their reaction. देख सुन जरा मैं भी। तुझे नहीं देगा कोई reaction। ओह देख hand तो दे दिया यार, ऐसा नहीं है। तब मतलब कल शाय को डांट क्यों पड़ी थी? मैं इसकी तो जितना चुपचाप क्या हो गया था, क्यों पड़ी थी पता ना? आजकल ये नहीं पता। शाय कल आपको डांट क्यों पड़ी थी? नहीं शाय कल डांट क्यों पड़ी बताओ ना, मम्मी से पूछ के आता हूँ। मम्मी कल शाय को डांट क्यों पड़ी थी वापस से? कल पाप शाय को डांट पड़ी वापस है, क्यों पड़ी थी? तो ही बता दे, ज्यादा अच्छा रहा, अच्छी तरह बता देगा। शाय अब दोबारा करोगे गलती? करोगे गलती? मम्मी इसको समझा लो। एक्चुअली सीन ये था कि शाय और पापा को ना स्टार्टिंग से देखो सबके घर में एक डायलॉग होता है मिडिल क्लास लोगों में, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो भाई समझ गया हो किस लिए पड़ी विराट। अब शाय की आदत है बहुत सारी लाइट जलाती है, और मेरी भी आदत है, मैं दिन में भी इस चला देता हूँ, जब कमरे में नहीं होता तो भी इस चलता रहता है। तो भाई मेरी किस्मत अच्छी थी कि लाइटें वाइटें सब जली हुई थी, पर मैं नीचे चला गया गाड़ी साफ करने के लिए, मैं नीचे गया और ऊपर भाई शाय ने सारी लाइट जला की, पापा ने धमका दी, थोड़ा थोड़ा डांट लगा दी, धमकाया तो नहीं थोड़ी डांट लगा दी कि ये लाइट क्यों जला रखी थी सारी फालतू, गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त होगी इस घर के अंदर। और शाय ऐसे पापा प्लीज़ पापा, फिर उसने सॉरी वॉरी बोला जब जाके थोड़ा ठीक हुआ। हाँ क्या मस्त यार, क्या मस्त खस्ता पराठे लेने जा रहे हैं एकदम आलू के, नहीं आलू के हैं पर इसमें आलू तो लगे तो बहुत लग रहे हैं रोटी जैसे। 12 बज गए, पापा को खाना मिलना, पापा थोड़ा सा एंग्री हो रहे हैं। मम्मी ने बनाई है पर वैसी नहीं बनी बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो सुनने पसंद है, ये आने नहीं चाहिए उसमें डाल दो। कैसा हुआ आप रखा था मेरे एक ब्लॉग में आओगे, आप रखा था आप मेरे एक ब्लॉग में आओगे ना, यही है वो ब्लॉग पापा बिल्कुल नहीं। पापा कैमरे से शर्माते क्यों आप? मेरे पापा पता नहीं कैमरे से शर्माते क्यों हैं, पापा तो सारे आएंगे। देखो मेरा कैस्पर कितना प्यारा है, मैं उसको उसको देखो अभी हमने टेबल खरीदा था और उसका नया घर दिखाता हूँ, उसने खुद ही चुना है वो घर, नहीं तो उसका बेड कहाँ, उसका बेड कहाँ, उसका बेड। अच्छा एक्चुअली कल कल बेला ने उसके ऊपर ब्लड स्पॉट्स लगा दिए थे, तो वो बेड कैस्पर का धोने के लिए डाल दिया, इसलिए कैस्पर ने अपना नया घर ढूंढ लिया और वो कल रात से वहीं पड़ा है। ओके कल शिमला से लेके आया था मैं कैस्पर के लिए, और बहुत सारा लेके आया था सामान, चिकन का
बेला को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ये पागल जाती चिकन को देखते हैं। कैस्पर कैस्पर आजा कैस्पर, नहीं भराना पड़ेगा, मिल ले खा ले खुश रहे। क्या होगा पापा, कैसे नाराज हो रहे हो? पापा क्या होगा, कैसे नाराज हो रहे हो पापा? पापा को खाना नहीं मिला, 12 बज गए। पापा जी, पापा भाई पता है तेरी बीबी काम कर रही है, बार बार क्यों उसको बेंदुक लेता रहा है? सच्चू बहुत मस्त बने यार, एकदम पतले क्रिस्पी क्रिस्पी से यार, ऐसे तो मम्मी ने कभी आपने बनाई नहीं है। बस रहने दो, मेरा मस्त का मतलब और ठीक है। ओ थोड़ा बहुत पंखे का शोर आ रहा होगा, पर उसके लिए मैं यार कुछ नहीं कर सकता, बहुत गर्मी लगती है मुझे। 24 घंटे पूरा पंखा चल रहा है, सुबह एसी अभी सुबह से बंद किया, दोबारा मैं एसी नहीं चला रहा भाई, नहीं तो वही है बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरेगा। लेट्स हैव अ बाइट। Nice. तो भाई प्लान ऐसा है कि शायद देख रहे हो, कौन सी देख रहे हो? सत्यम सेवम सुंदरम, वो पुरानी मूवीज तो वाली देख रही है। जीनत जीनत कोई हीरोइन थी ना? हाँ जीमत अमान इसमें हीरोइन थी, मतलब याद भी है। तो अब प्लान ऐसा है कि भाई पापा छत पे हैं, छत पे पापा ने मस्त एक अच्छा रूम बना रखा है, वहाँ पे अपना कूलर लगा के पूरे दिन लेट रहता है, वो ठंडा रहता है पता नहीं क्यों, पर बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि ऊपर उसके पानी का टैंक है तो बहुत ठंडा रहता है वो कमरा। तो अभी फिलहाल का जो हमारा प्लान ये है, पापा ने अपने लिए भाई शॉपिंग किए हुए, पापा को हो गया था बहुत टाइम पापा ने काफ़ी टाइम से अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की थी, जैसे कि हर बाप कभी नहीं करता अपने लिए शॉपिंग में। तो हमने उनके लिए उनको जूतों की ज़रूरत थी, एक उनको बूट्स पहनना बहुत पसंद है, एक स्पोर्ट्स शूज़ उन्हें बहुत पसंद है, और शायद इनके अलावा वो जूता आते भी नहीं है जूते ही पर उन्हें बहुत पसंद है, कि बुलेट वगैरह में उन्हें ब्लैक बूट्स पहनना बहुत पसंद है। तो हमने उनके लिए मंगाया एक ब्लैक बूट्स, और एक पापा ने बोला था कि उनको कैंपस वगैरह के नॉर्मल कंपनी का एक शूज़ चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ जो कि वो पहन सके रेगुलर बेसिस पर अच्छे। पर हमने उनके लिए एक अच्छा शूज़ मंगाया है जोड़ जाड़ के, ये कोई एहसान नहीं कुछ नहीं है भाई, हम बाप को कितना भी दे दें, हम उन्होंने जो हमारे लिए किया हम उसका 1% भी नहीं कर सकते, चाहे उन्हें अपनी सारी कमाई दे दें। तो भाई बाप एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए जितना भी कर लो कभी उसको तुम मैच नहीं कर सकते जो उसने हमारे लिए किया है। पर ये जो चीज़ है इसके अंदर, एक जूतों के अलावा भी मैंने एक चीज़ मंगाई है पापा के लिए, जो पापा ने बस ऐसे मजाक में बोली थी, पर मैंने पापा के लिए मंगा दी ये ऊपर। अरे नहीं तुम मत चढ़ना, मैं चढ़ जाऊँगा, तुम मत चढ़ना, मैं अपना बता दूँ। ये देखिए ये शूज़ है ब्लैक बूट्स, ये पकड़ो, हल्के से ही हैं दिखने में बहुत बड़े, ये है ये वाले शूज़, नहीं याद है, चलो ठीक है देखो जो भी आया है गिफ्ट वो भी दिखा देता हूँ आपको, क्या है बाहर से ये गिफ्ट है, और ये सब मैंने मिंत्रा से मंगाया है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मुझे मिंत्रा के साथ कोलैब करने को मिलेगा। ये उठा पापा का गिफ्ट, लेके चलते हैं पापा के पास, खाली डब्बर क्या भर देते, जिससे थोड़ा वजन तो लगे। नहीं 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 क्या भरा आपने, मेकअप मेरे को डांट पड़ेगी ना, ये दे दो इसको शोकेस रख दिया। हेलो डैडी, गिफ्ट लेके आया आपके लिए कुछ, आजा आजा, गुड मॉर्निंग चल चल, तेरे लिए कल लेके आया था गिफ्ट में कैल्शियम बोन, चल अब जा, दो है दो, ये तालियां, ये खोल कैसे आवाज आई, दाद बीच हंस रही है, तुझे पापा खोलेंगे, अरे क्या ये उल्टा फोन लगता है सीधा रखने, पापा खोलो ना। अब आईफोन तो मैंने कहा था देने के लिए, अच्छा हक है, अच्छा हक है, चलो ठीक है, तो ये हक ही समझ कर लो ना, अरे खोलो तो सही पापा, प्लीज खोलो ना, ये है बेटा, दोनों एक ही तरह के रूसू है। पापा पहले वो वाला गिफ्ट वो सबसे अच्छा है, पापा बोला हाँ गिफ्ट क्या आपने
दीदी मैंने कमाई थी, एक और गिफ्ट है वो अभी आया थी। पापा शायद को बुला लो, उसे बुलाना पड़ेगा, उसे तो घर रखा इसलिए बुलाया, मुझे धमकाया था ना पापा ने, आया था भाभी ये सोने की छोटी सी निकलेगी, सोने की अंगूठी निकलेगी इसमें से। ये किसने भरा है, ये किसने भरा, ये भरा किसने है, यहाँ से किसका रजिस्टर फाड़ दी, तेरे नोट फाड़ दिए मास्टर जी, असली गिफ्ट यहाँ पर है, ये तो बिल लाइक छोड़ दो, ये भर लाइक, मैं सोच रही थी बिल निकाल, पहले ये नहीं, पहले वो खोलो वो ब्राउन वाला डिब्बा, ये पैरों में भी अच्छे लगते हैं और सर पे भी अच्छे लगते हैं। अब इसको का पहने, मैं तो पैरों पहनूंगा, मैं इनके सर पे पा रही हूं, वाले ना अब ये वाला खोलो, हां समझ रहे हो ना, ये कल से बापू वॉक पे इनको पहनने जाएंगे, वॉक पे वॉक के नहीं बाहर आने जाने पहनने के हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये किसको पड़ेंगे है टोपी, वो आई नहीं, वो 8 तारीख को आएगी, या तो बापू को खुश किया जा रहा भैया, तो फ्रिज आप ही कहने से मंगाया, नहीं तो पुराना तो चल ही रहा था। अच्छा एक बात तो बता, तो जिस दिन भी गिफ्ट देता है 10,000, 20,000, 5,000, 20 तो भी देता है, उसे 5 गुना लेता है, अब उसके बदले में तूने क्या सोचा लेने के लिए, अब ये चेंज हो गया, अब क्या बारी बता दे सोच के, सुरना निकल जाए आपकी बार तेरा, हाँ ओयो कैस्पर, वीडियो मतलब कैमरा होने तक वो करेगा तू, मेरी क्रूज कार का एसी खराब हो गया और भाई गर्मी आज तो चल रही है कि कितनी हद पार लेवल की गर्मी है, काली गाड़ी काला इंटीरियर और ऊपर से एसी नहीं चल रहा है, शीशे खोल रखे हैं मैंने यार, और पसीना आप देख सकते हो, तभी मैं एसी ठीक कराने जा रहा हूँ भाई, कभी भी जरूरत पड़ जाती गाड़ी की, अब जरूरी नहीं है कि मेरा, हमने एक गाड़ी बेच भी दी है जो कि शेवरले क्रूज बेच दी है, अरे क्या बोल रहा हूँ, गर्मी में दिमाग नहीं चल रहा है, हमने शेवरले की जो हमारा बीट थी वो हमने बेच दी है, तो अब 4 गाड़ियां हैं जिसमें शादियों, अक्षय की भाई की शादी है मेरी 1 महीने 20 दिन बाद, तो भाई गाड़ी की जरूरत पड़ती रह रही है कहीं ना कहीं मार्केट में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका आज कैसे भी करके एसी ठीक करा लूंगा यार, क्योंकि कल जैसे पापा लेके गए थे सेल्टॉस और इधर उधर चली जाती है गाड़ी, बड़े अक्षय भाई ऑफिस ले जाते हैं गाड़ी को, मैं यहाँ पे 4 बजे आ गया था मार्केट में और अब हो रहे हैं 6:28, अब जाके मेरा हुआ है काम, गाड़ी हुआ भी नहीं, थोड़ा जुगाड़ हुआ है, आज हो नहीं पाता क्योंकि अंधेरा होने वाला था, तो कह रहे थे कि एक दो दिन बाद आप सुबह ले आइए, पूरा दिन लगेगा, बता क्यों लगेगा, बस एक चूहे की वजह से, ठीक है खुश बढ़िया, नाम क्या तेरा, नाम क्या तेरा, नाम सूरज, सूरज पढ़ाई वढ़ाई करता है, करता है शायद के लिए ये लो सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ मैं, बेटा वो तो मयंक जैसा, ये कैस्पर के लिए, क्लिपर बेला के लिए, ये कितने का है, मयंक वाला है, इतने सारे ले आए, हाँ क्या है, 2 ले आया मैं, इडियट लिस्टरिन था मम्मी के पास, ये बड़े वाला ले आया, फिर मैं ये गम कैविटी वगैरह भी प्रिवेंट करता है इसलिए, अपने जगह लिखा हुआ लिस्ट्रीन, गम कैविटी फाइट करने के लिए, इन कपड़ों के लिए ढक्कन भी है बाहर रखा हुआ है, मैं तो सोच रही थी ये लो मेरी ढक्कन, मैं सच में ही सोच रही थी मैं कपड़ों पे एक बाल्टी जोड़ता है, सारे भाई बहनों बैठ के बातें की हैं और 12 बज गए और शायद ये रूटीन है रात को अब लगाएगी ओल्ड सॉफ्ट म्यूजिक और सो जाएगी, अच्छा मैं मालिश भी करूँगा, तो ये था इस ब्लॉग को, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो ये था हमारा डे ब्लॉग, बड़ा अच्छा ब्लॉग, पापा को सर प्रैंक करना चाह रहे थे पर शायद स्मार्ट बन रही थी पर सारी स्मार्टनेस धरी रह गई, भाई बाप के सामने कौन स्मार्ट हो सकता है, पर फिर भी ये था हमारा प्यारा सा ब्लॉग, होप करते हैं आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो आपको पता आपको क्या करना है, तो गाइस सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, लव यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।